में कल हमने प्रीपोजिशन शुरू किया। प्रीपोजिशन में हमने कल इन पढ़ा, आज इनको पढ़ते हैं। इनका अंदर के लिए इनटू का अर्थ भी अंदर के लिए गतिशील अवस्था में हमने कल जब इन पढ़ा था तो हमने लिखा अंदर के लिए स्थिर अवस्था में इनका प्रयोग करते हैं, और अगर गतिशील अवस्था है, गति कर रहा है, वहाँ पर अपने को क्या करना है, इनटू का प्रयोग करना है। रूप परिवर्तन के साथ भी इनटू का प्रयोग करेंगे, यानी अंदर के लिए गतिशील अवस्था है तो किसका प्रयोग करना है, इनटू का प्रयोग करना है, और रूप परिवर्तन करना हो किसी का तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही केम द रूम, द डॉग जंप, द रिवर, या ट्रांसलेट फॉलोइंग सेंटेंस। तो इनटू का प्रयोग हम देख रहे हैं, जो पहले से ही अंदर होने की स्थिति बताता है वह इनटू का प्रयोग करना है। रूप परिवर्तन के साथ इनटू का प्रयोग करना है। गतिशील अवस्था अंदर बताने की आएगी, जैसे ही केम वह आया, द कमरे में आया, कमरे में आया मतलब बाहर से अंदर आया, अंदर ही नहीं था बाहर से अंदर आया, ये अवस्था गतिशील अवस्था हो गई। बाहर है वो कमरे के अंदर आया, तब वहाँ इनटू का प्रयोग करना है। कल हमने जो बताया था कि वो कमरे के अंदर बैठा है, तब हमने इनका प्रयोग किया था क्योंकि वो पहले से ही कहाँ है, अंदर है, वहाँ किसका प्रयोग करना था, इनका, और यहाँ बाहर से अंदर आ रहा है, गतिशील अवस्था में इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे द डॉग जंप्ड, कुत्ता कूदा, कहाँ कूदा, नदी में कूदा, कहाँ कूदा, नदी में, यानी पहले नदी में नहीं था, पहले नदी से बाहर था फिर कूदा, तभी तो कूदा कहेंगे, तो कूदा इसका मतलब गतिशील अवस्था में अंदर जाने की बात कर रहा है, वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेट फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंस का ट्रांसलेट करो, किस में करो, इंग्लिश में करो, इसका रूप परिवर्तन कर दो, इसका मतलब हिंदी में लिखे हुए हैं उसको किस में बदलना है, अंग्रेजी में बदलना है, यानी हिंदी से अंग्रेजी में बदलना है या अंग्रेजी से हिंदी में बदलना हो तो वो रूप परिवर्तन कहलाएगा, वहाँ पर भी हम इनटू का प्रयोग करेंगे। परीक्षा में आता है अपने ट्रांसलेट दिस फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हिंदी में लिखा है पांच वाक्य को अंग्रेजी में चेंज करो, तो वहाँ उसका रूप परिवर्तन हो रहा है, वहाँ किसका प्रयोग करना है, इनटू का प्रयोग करना है। अगला देखें ऑन, ऑन का अर्थ है ऊपर, ऊपर मतलब जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के ऊपर हो तथा सतह पर स्पर्श करते हो, ऊपर हो और सतह पर स्पर्श करते हो तब ऑन का प्रयोग करना है। यानी किताब के ऊपर टेबल पड़ी है, टेबल पर किताब पड़ी, टेबल और किताब स्पर्श कर रही है, ठीक है ना, आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो आप कुर्सी से स्पर्श कर रहे हैं,
जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के ऊपर हो तथा सतह पर स्पर्श करना जरूरी है, वहां पर ऊपर के लिए किसका प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करना है। दिन, त्योहार, उत्सव के पहले भी ऑन का प्रयोग करें। दिन आ गया, उत्सव आ गया, त्योहार आ गया, तब किसका प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करना है। जैसे द बुक इज द टेबल, मोहन इज सिटिंग द चेयर, शी विल कम राइट। क्या है बुक इज टेबल, किताब टेबल के ऊपर है, स्पर्श कर रही है, किसका प्रयोग कर देंगे, फोन का। मोहन बैठा है किसके ऊपर, कुर्सी का, क्या कर रहा है, स्पर्श, किसका प्रयोग करना है, फोन का। वह सोमवार शुक्रवार को आएगी, दिन हो गया, किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ऑन का प्रयोग कैसे करना है, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और स्पर्श करती हो, या दिन है, त्यौहार है, उत्सव है, उसके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग हम करेंगे। तो ये दोनों प्रीपोजिशन अपने को ध्यान रखना है।